हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री से रिलेटेड आज बातें करने वाले हैं। ओके, हम जानेंगे इसके कुछ टेक्निकल्स और एज वेल एज अगर हम बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल से रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे और काफ़ी बेहतरीन शेयर मुझे लग रहा है। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ भी कनेक्ट करें इस चैनल को, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी शेयर बाजार में लाइए और उन्हें बताइए कि हमारे चैनल में अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जाती है, ताकि इस तरीके की वीडियो से वो सीखे और सीख के जब मार्केट में आप करेंगे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा पैसा मार्केट में बना सकते हैं। तो जैसे कि हम ऑलवेज बताते हैं कि आप लो लेवल पर खरीदना सीखे और हाई लेवल पर बेचना सीखे। देखिए, वो होता है, ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली लो कौन सा है और एग्जैक्टली हाई कैसा है, बट मार्केट में हर कुछ नहीं मिल सब कुछ नहीं मिलता, बट मार्केट में बहुत कुछ मिलता है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो अगर बात करें कल की डेट की, कल की डेट में यहाँ पर वीडियोस बनाई गई थी, आज की डेट में थोड़ा बहुत शेयर भागते हुए भी नजर आए थे। बाकी आपके लिए यहाँ पर एफएल इंडिया से रिलेटेड भी हमने बातें करी थी। तो अगर हम बात करें एफएल इंडिया में, आज दोबारा यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया था शेयर, फिर ऊपर भागा था, फिर नीचे गिरता हुआ, तो इस तरीके से चल रहा है। अडानी के स्टॉक्स में प्रमोट यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाने की, बट स्टिल बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रमोटर्स की हो यहाँ पर प्रमोटर्स शेयर्स खरीद रहे, तो थोड़ा इस चीज़ से देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट एक और बात बताना चाहता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन कराना है क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। बाकी आपकी सहूलियत के लिए 3 प्लेलिस्ट बनाई है, यहाँ पर इन वीडियोज को देखिए और नॉलेज लीजिए, और नॉलेज देख के काफी अच्छा यहाँ पर आप पैसा बना सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज की, बात करें ये शेयर करता क्या है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर फ्लाई लिख रहा है, तो यहाँ पर इस कहीं ना कहीं वुड स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर ये शेयर नजर आ रहा है। आज की डेट में देखते हैं तो 1.54% की यहाँ पर गिरावट है, 5 डेज से यहाँ पर देखिए गिरावट नजर आ रही है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखे तो गिरावट है, फिर उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर जंप करता हुआ दिखाई दिया था, और अच्छी खासी गिरावट अगर हम बात करें तो लगभग 8-9% की गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, काफी ऊपर तक यहाँ पर शेयर गया, बट वॉलिटिलिटी भी बीच में देखते रहिए, काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी है यहाँ पर। यहाँ पर एक बार शेयर काफी अच्छी तरह गिरा था, फिर यहाँ पर गिरा था, फिर यहाँ पर एक गिरावट है, बीच में यहाँ पर भी गिरावट है, यहाँ पर भी गिरावट है, फिर इसके बाद तो यहाँ पर एक कंटिन्यूसली एक लॉन्ग गिरावट नजर आ रही है, और वो भी बात करें कितने की तो लगभग 70% तक ये शेयर गिर चुका है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो अभी भी अगर बात करें अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे चल रहा है, और जब जब यहाँ पर ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर बात करें अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर ऑलरेडी चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस शेयर को यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी हम बात करें और भी कुछ चीजों की, तो यहाँ पर देखिए 52 वीक लो 73.5% की यहाँ पर यहाँ पर शेयर था 21 अक्टूबर को, 224 रुपए पे ये शेयर 21 मई को यहाँ पर गया था, 52 वीक हाई है यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर लगभग 10% यहाँ करेक्ट हो चुका है। इसके अलावा बात करें लगभग ये 3 गुना ये शेयर हो चुका है यहाँ से अपने लो से, और 55% के शेयर लगभग 1,18,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे भी उठाते हुए हमें मिले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये स्प्लिट भी, दो बार यहाँ पर स्प्लिट भी दे चुका है, 2005 में और 2016 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2005 में यहाँ पर एक बार स्प्लिट देता हुआ शेयर नजर आया था 2005 में, और एक बार 2016 में ये कंपनी ने यहाँ पर स्प्लिट दिया था, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। बाकी बोनस कभी भी इस कंपनी ने अनाउंस अभी तक नहीं किया है। और बात करते हैं यहाँ पर कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं एस्टैब्लिश्ड इन 1990 और ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड इज द अमंग द लीडिंग प्लाई बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मतलब इंडिया में जितने भी जैसे सेंचुरी प्लाई हो गया या दूसरे जितने भी इनके कॉम्पिटिटर हैं उनमें अगर बात किया जाए तो उनमें से एक बड़ा नाम आता है विद 26% शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट। मतलब इंडिया में मतलब 26% मार्केट इसी ने कैप्चर कर रखा है, इस चीज को भी ध्यान दीजिए। और इसकी आजकल एड भी बहुत ज़्यादा आ रही है, आप देख सकते हैं एड्स को भी। अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की, तो देखिए जैसे धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती जा रही है, ओके, तो क्या हो रहा है कि लोग एक्सपेंड ज़्यादा कर रहे हैं। वो अभी बात चल रही है घर लेने की, तो लोग अपने बड़े बड़े घर भी खरीद रहे हैं, और घर खरीद रहे हैं तो इंडिया में मोस्टली लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं, इंडिया में ज़्यादा पैसा अकॉर्डिंग टू नॉर्थ इंडिया मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, बट अगर बात करें तो यहाँ पर या तो शादियों में ज़्यादा खर्च किया जाता है या फिर यहाँ पर घरों में ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। और जब घरों में ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है तो ऑब्वियसली बात है उनको डेकोरेशन के लिए यहाँ पर पैसा खर्च किया जाता है, और
डेकोरेट करने के लिए घर में मोस्टली यहाँ पर प्लाईवुड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर लगाए जाते हैं, जो कि बुक शेल्फ हो गया या फिर यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हो गए जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी एग्जैक्टली यहाँ पर ये कंपनी अगर बात करें प्लाईवुड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हुई नजर आती है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मतलब जितने भी ये आर्ट आपको नजर आ रहा है ये सारा का सारा इसी प्लाईवुड से बनता हुआ नजर आता है, बुक शेल्फ और इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स नजर आते हैं तो ये यहीं पर ही ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज की डेट में यहाँ पर एक एड भी बड़ी फेमस हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एड को जो कि यहाँ पर आप बीच देखिए ये ऐड आपने देखी ही होगी, तो ये ऐड इन्हीं की है और काफी यहाँ पर आते भी है। और जब एडवर्टाइजमेंट में भी यहाँ पर पैसा जब ज्यादा खर्च होता है तो लोग वहाँ पर आकर्षित होते हैं और फिर इसी तरीके के प्रोडक्ट्स वहाँ पर लिए भी जाते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। बाकी इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर ये कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, डोर में अगर बात करें तो ये कंपनी डोर्स बनाती हुई नजर आती है। ओके, यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लाईवुड ब्लॉक ग्रीन ऑप्टिमाइज़ी, यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग डोर्स प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड डेकोरेटिव बैनर्स पीवीसी प्रोडक्ट्स स्पेशलिटी प्लाईवुड्स, यहाँ पर ये इस अलग अलग तरीके के यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर इनको एक बार वेबसाइट में जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली ये कंपनी और एग्जैक्टली क्या करती है और आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 26% का मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा कैपिटल होता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। मार्केट कैपिटल की बात करें स्मॉल कैप कंपनी 2541 करोड़ रुपए की यहाँ पर मार्केट कैप है, तो शेयर जैसे गिरता भी ज्यादा है भागता हुआ भी ज्यादा नजर आता है, जैसे कि 70% था ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से पहले गिरा था फिर उसके बाद यहाँ पर जंप, तो इस चीज को देखिएगा। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 13% का यहाँ पर डेट है, 18% के आरओसी पे कंपनी काम कर रही है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा, अच्छी यहाँ पर मानी जाती है। इसके अलावा और भी कुछ चीजों की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहे हैं, ओके, पहले अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट थे, बीच में यहाँ पर गिरावट आ गई वरना रिजल्ट बढ़ते ही जाते, आप देख जान सकते हैं यहाँ पर पेंडेमिक का रीजन है। फिर उसके बाद अगर बात करें स्टिल यहाँ पर अभी भी बात करें तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स होती हुई नजर आई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हाईएस्ट एवर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की वो भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, तो पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आना, तो इस चीज को ये कंपनी बताती है कि हाँ धीरे धीरे यहाँ पर इंडिया ग्रो हो रहा है और जैसे जैसे बिल्डिंग्स बन रही है, जैसे जैसे घर लोग परचेज कर रहे हैं, जैसे जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है तो ऑब्वियस फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर लोग यहाँ पर ये इन प्रोडक्ट्स का तो यूज होना ही है और घरों में ये प्रोडक्ट्स यूज होते ही है, चाहे डोर के रूप में ले लीजिए या फिर डेकोरेशन के रूप में ले लीजिए, तो ये प्रोडक्ट्स मतलब इस कंपनी की सेल्स ऐसी इस तरीके से बढ़ती जाएगी। ईयरली बेसिस पे ही बात करें तो देखिए 861 करोड़, फिर 1217, 1600, 2021, 2015 से यहाँ पर बीच में थोड़ी सी कम होती नजर आई थी 2018 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर किस तरीके से क्रैश हुआ था, तो उस चीज को भी देख सकते हैं 891 कुछ शायद प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद अगर देखें तो दोबारा से यहाँ पर जनरेट हाईएस्ट एवर तो नहीं है पर धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है, यहाँ पर फिर 891 से फिर 1284, 1268 और अभी भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई थी, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई थी पेंडेमिक, तो पेंडेमिक की वजह से इनकी सेल्स काफी गिरती हुई नजर आई थी जो कि पिछले ऊपर क्वार्टर में आप देख सकते हैं, बट स्टिल अगर बात की जाए अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट में ही ये कंपनी यहाँ पर चल रही है, तो इस चीज को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और जिस धीरे धीरे अपने आप को ये एक्सपेंड कर रहे हैं एड्स वगैरह दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर प्रोडक्ट्स और ज्यादा यूज होते हुए दिखाई देंगे। रिजर्व्स की बात करें अच्छे खासे रिजर्व्स है, 398 करोड़ के रिजर्व्स है, और बात करें यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर बोरिंग मतलब 652 करोड़ की बोरिंग, जैसे सीधे यहाँ पर अगर बात करें 53 करोड़ की बोरिंग, और अगले अगले क्वार्टर या फिर अगले साल तक जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर डेट फ्री कंपनी भी अपने आप को ये कर सकती है। और यहाँ पर बात करें फिक्स एसेट की तो 191 करोड़ की फिक्स एसेट यहाँ पर कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में तो ज़्यादा पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया है बट कोई इशू नहीं है। अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की 45 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है, कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर अच्छा खासा है कंपनी के पास,
और जो भी पैसा आता है सीधे इनकी बुक में दिखाई देता है, इस चीज को ये हमेशा याद रखिए। और कभी भी ये एक बार ये 2018-19 में यहाँ पर थोड़ा सा इनका बिजनेस डाउन हो गया था आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट फिर भी अगर देखें और दोबारा से यहाँ पर इनका बिजनेस चलना लग गया है, कंपनी दोबारा से परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, 52% के यहाँ पर होल्डिंग्स यहाँ पर प्रमोटर्स की है, उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आई है। FIIs की बात करें, FIIs के पास 1.99% की हिस्सेदारी है, इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी इस क्वार्टर में बढ़ाई है। DIIs की बात करें तो उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 28.16। पब्लिक की बात करें, पब्लिक की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हुई है, बट स्टिल अगर बात करें पब्लिक के पास कितनी हिस्सेदारी है तो 17.65 में से 1.47 हम घटा देंगे तो आपको लगभग पता चल जाएगा कि 16% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास है, बाकी सारी हिस्सेदारी अच्छे खासे हाथों में यहाँ पर नजर आती है। तो ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री ये स्टॉक है। और अगर बात करते हैं कुछ इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की, तो अगर इस एरिया की सेंचुरी प्लाई एक यहाँ पर इसका कॉम्पिटिटर है और बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, इस चीज को याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ देखते थे कि यहाँ पर मार्च का क्वार्टर था 2018 में, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितनी सेल होती हुई नजर आई थी मार्च 2018 में, तो यहाँ पर देखते हैं तो मतलब 288 करोड़ के आसपास, ये जून का क्वार्टर है, इससे पहले भी बात करें तो इतनी आसपास हुई होगी सेल्स। और यहाँ पर देखें 2018 में 891 करोड़, तब 1600 करोड़ के आसपास था, तो शेयर प्राइस लगभग यहाँ पर क्या चल रहा था, टॉप पर यहाँ पर शेयर प्राइस चल रहा था। और यहाँ पर बात करें तो धीरे धीरे यहाँ पर पिकअप करना शुरू कर दिया है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर टारगेट की बात करें तो 294 रुपीज तक अगर बात करें, थोड़ा सा टाइम दे देंगे एक साल का, तो 6 महीने का, एक साल का, तो ये शेयर यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर हम बात करते हैं टेक्निकल्स की, तो यहाँ पर देखिए एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जब भी ये 50 DMA के आसपास आया है तो यहाँ पर ये शेयर दोबारा यहाँ से जंप लगाता हुआ नजर आया है, तो इस चीज को याद रखिएगा, दोबारा ये 50 DMA के आसपास ही यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, तो शायद यहीं से ही यहाँ पर दोबारा भागता हुआ शेयर नजर आ सकता है, पहली बात। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर हम देखे देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ ऊपर जाके यहाँ पर रुका, फिर यहाँ रुका, तो यहाँ पर बार बार यहाँ पर इसी तरीके से ये रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, एक यहाँ पर इसने शोल्डर बनाया लेफ्ट, इसके बाद एक बड़ा सा यहाँ पर हेड बनता हुआ नजर आ रहा है, और फिर यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर दोबारा से शोल्डर बना, और फिर दोबारा यहाँ पर अगर बात करें नीचे जाता हुआ फिर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके फिर दोबारा यहाँ पर एक कर्व बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर दोबारा से अगर रिवर्स होता है और फिर जाता है ऊपर, तो अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा। एक आध क्वार्टर और इसने अच्छा खासा परफॉर्म कर दिया, और हाइएस्ट एवर अगर बात करें यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, या इस तरीके से दो चार एक दो क्वार्टर और अच्छे खासे रिजल्ट दे दिए, ओके, अगला क्वार्टर में लगभग 400 करोड़, फिर उसके बाद अगर बात करें 450 करोड़, इस तरीके के रिजल्ट दे दिए, तो ये जो इसका टारगेट है ना, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये तो आने ही आना है, जो कि अच्छा खासा यहाँ पर अगर बात करें कितना परसेंट बनता है, तो एक बार काउंट कर लेते हैं इसके अभी रीसेंट प्राइस से, एक मिनट दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए तो लगभग लगभग ये 43% का आ रहा है वन शॉट में, जो कि अगर एक साल भी देना पड़ गया तो 40% का CAGR होता है, तो इस चीज को याद रखिएगा पहली बात। और फिर भी अगर हम बात करते हैं इसके डेल यहाँ इसके जो चार्ट पैटर्न के थ्रू जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आ रहा है, जो उसका यहाँ पर टारगेट आ रहा है उसकी अगर हम बात करें, तो ये टारगेट कितना नजर आ रहा है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसके हिसाब से जो टारगेट नजर आ रहा है, इसके हिसाब से टारगेट नजर आ रहा है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो 369 रुपीज का यहाँ पर टारगेट आ रहा है, और ये भी अचीव होना कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स भाग रहे हैं, आप देख ही सकते हैं किस तरीके से इसने एक एक ही रैली में थोड़ा सा गिरता है फिर भागता है, 50 DMA के यहाँ बार बार सपोर्ट लेता हुआ भागता है, तो 80% इसके लिए अगर सवा साल एक साल का वेट करना पड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, वेट करके इसमें इन्वेस्ट करके रहिए और इसके रिजल्ट देखते रहिए। इस बार के रिजल्ट बेहतरीन आए हैं, अगली बार के रिजल्ट और बेहतरीन आते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा। तो इसी चीज से रिलेटेड वीडियो थी, बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की हेल्प स्टडी करके यहाँ पर लीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्टफोर ऐप को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।